लगा कि जमीना किन के लिए है। अभी रामनगर में 300 बीघा भूमि समय से मांग कर रहे हैं आप। रामनगर में 300 बीघा भूमि चरागाह खाली कराई तो कलेक्टर साहब उनके फ्लैट बनाएंगे क्यों, या इन पुलिस वालों के बनाएंगे? गाय के लिए खाली कराए, गौ माता के लिए खाली कराई तो गौ माता को दी जाए, पुलिस ने प्रभाव से दी जाए। इसमें धरने के दौरान पुलिस ने धक्का मुक्की भी की है, पुलिस ने अनावश्यक हमें परेशान किया। हम शांतिपूर्वक पूरे रोड सुचारू रूप से चालू थे, इन्होंने आके हमारे कार्यकर्ताओं की पैर पकड़ी है, कपड़े फाड़े हैं, वो बना कहा गए ये देखो, नाखून भी लगाए, मैंने छुड़ाने गए इनको तो मेरी भी शर्ट फाड़ दी। सीआई साहब बिल्कुल गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, इनका काम कानून की पालना करने का है, ये खुद कानून की अवमानना कर रही है। मांग की है नंदीशाला खोलने की, मांग की है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गौ माता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि पहले की जो कलेक्टर साहब आते हमने भी बहुत धरने दिए थे हैं, पर एक ना सुनी, उन्होंने लव मैरिज तक करवा दी हमारी गौ माता के लिए, कुछ नहीं करवा सकते। जब वो गौ माता की सेवा ही नहीं कर सकती तो उनकी माँ की क्या सेवा करेंगी, वो उनकी सास की क्या सेवा करेंगी? अभी ये कलेक्टर साहब है उनके पीछे गौस्वामी लग रहा है, जब ये गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, गौ माता के लिए जगह नहीं दिलवा सकते तो इनके मम्मी पापा की क्या सेवा करेंगे? नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बूंदी 21 नवंबर नंदीशाला की मांग को लेकर गौ सेवकों का जंगी धरना प्रदर्शन, 3 घंटों तक कोटा रोड पर लगाया गया जाम, पुलिस ने किया जबरन हटाने का प्रयास लेकिन गौ भक्त डटे रहे, पुलिस से हुई हल्की नोकझोंक। गोपाल गौ सेवा संस्थान बूंदी निशक्त गौ सेवा समिति दाभायों का नया गांव के गौ सेवकों किसानों किसान महिलाओं द्वारा नंदीशाला की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कोटा रोड घंटों तक जाम कर किया प्रदर्शन, जिसमें गौ सेवकों का जोरदार आक्रोश देखने को मिला। पुलिस द्वारा गौ सेवकों को जबरन हटाने का प्रयास किया तो मौके पर तैनात सीआई सहदेव मीणा व पुलिस जवानों से नोकझोंक भी हुई, लेकिन गौ भक्त जिला कलेक्टर को धरना स्थल पर बुलाकर वार्ता करने की मांग को लेकर अड़िंग रहे। करीब 2 घंटे बाद मौके पर तहसीलदार दीपक महावर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, DYSP हेमंत नोगिया वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन कुछ देर वार्ता हुई, लेकिन पूर्व में हुई वार्ता का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर को मौके पर ही बुलाने की मांग को लेकर गौ भक्त अड़िंग रहे। बाद में पुलिस प्रशासन धरना स्थल पर ही मौजूद रही और आवागमन को दूसरे रास्तों से सुचारू जारी रखा। भक्त दोपहर से शाम तक जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड पर मौजूद रहे, अंत में सायंकालीन हो जाने की वजह से धरने को विराम दिया। दूसरे दिन वापस दोपहर बाद धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा, क्योंकि बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई नहीं करने पर हमें मजबूर गौ माता के लिए धरना लगाना पड़ रहा है, और जिला कलेक्टर जब तक नंदीशाला के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना स्थल पर संत रामलखन दास, संत मंगलपुरी, संत मोहन सिंह, संत बालक दास व गौ सेवक गोपाल माहेश्वरी, प्रहलाद मीणा, नंद सिंह सोलंकी, लोकतंत्र गुजर, भवानी शंकर, रामेश्वर गुजर, मधुसूदन यादव, बलराम मीणा, कौशल यादव, सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष भारी संख्या में गौ सेवक धरने पर मौजूद रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। नंदी बाबा की जय, सदा संत तेरी ताना साई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सदा संत तेरी ताना साई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नंदीशाला का निर्माण शुरू करो, शुरू करो शुरू करो, नंदीशाला का निर्माण शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर तेरी ताना साई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कलेक्टर तेरी ताना साई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कलेक्टर तेरी ताना साई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कलेक्टर तेरी ताना साई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय। जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है।
प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन डूब मरो, जिला प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। 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 जिला कलेक्टर डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जिला कलेक्टर डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गौ माता पर अत्याचार बंद करो, बंद करो।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद छोड़ा गया था। जिला प्रशासन ने 63 बीघा जमीन देने का लिखित आश्वासन दिया था, वो कागज अभी भी मेरे पास है। 6-7 साल होने के बाद भी प्रशासन को 60 बीघा जमीन आज तक नहीं मिली, और अब तो राज्य सरकार ने जिला स्तर पे बड़ी मंदीशाला की घोषणा कर दी है। 4 साल हो गए, उसमें भी इनको जमीन नहीं मिली। चरागाह की जमीन किन के लिए? अभी रामनगर में 300 बीघा कितने समय से मांग कर रहे हैं आप? रामनगर में 300 बीघा भूमि चरागाह खाली कराई तो कलेक्टर साहब उनके फ्लैट बनाएंगे क्या? वहाँ या इन पुलिस वालों के बनाएंगे? कहे के लिए खाली कराई? गौ माता के लिए खाली कराई तो गौ माता को दी जाए, पुलिस ने प्रभाव से दी जाए। इसमें धरने के दौरान पुलिस ने धक्का मुक्की भी की है, पुलिस ने अनावश्यक हमें परेशान किया। हम शांतिपूर्वक पूरे रोड सुचारू रूप से चालू थे, इन्होंने आके हमारे कार्यकर्ताओं की पैर पकड़ी है, कपड़े फाड़े हैं, वो बना कहा गए ये देखो, नाखून भी लगाए, मेरे चुड़ाने गए इनको तो मेरी भी शर्ट फाड़ दी। सीआई साहब बिल्कुल गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, इनका काम कानून की पालना
मना करने का है, ये खुद कानून की अवमानना कर रही है। मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? खास तौर से ये सीआई साहब ने हमेशा नाजायज परेशान किया है, बार बार हमारे झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। सीआई साहब ने मुकदमा दर्ज किया है, डिप्टी साहब ने उसको आज किन मांगों को लेकर आप धरना दे रहे हैं? आज हमारी मुख्य मांग नंदीशाला को लेकर है। काफी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, 4 साल से ज्ञापन पे ज्ञापन। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? सारे मंत्री संतरी सबको हम ज्ञापन पे ज्ञापन दे चुके हैं, आज मांग तो मान कर यहाँ से जाएंगे सर। अनिश्चितकालीन आपका अभी अभी धरना प्रदर्शन के दौरान है, आप लोगों ने ये भी आह्वान किया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम आत्मदाह कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है, गौ सेवक गले तक भरे हुए हैं और हमें किसी चीज की हम परवाह नहीं है, हम कफन बांध के चलते हैं। ये पुलिस हमें 2 डंडे से क्या डराएगी, इनकी तो हिम्मत नहीं है किसी को हाथ लगाने के, पीछे से आके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो जारी रहेगा धरना? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, रोड जाम होगा। ये नंदीशाला खोलने की मांग की, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गौ माता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि पहले के जो कलेक्टर साहब आते हमने भी बहुत धरने दिए पहले, पर एक ना सुनी, उन्होंने लव मैरिज तक करवा दी हमारी गौ माता के लिए, कुछ नहीं करवा सकते। जब वो गौ माता की सेवा ही नहीं कर सकती तो उनकी माँ की क्या सेवा करेंगी, वो उनकी सास की क्या सेवा करेंगी। अभी जो कलेक्टर साहब है उनके पीछे गौस्वामी लग रहा है, जब ये गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, गौ माता के लिए जगह नहीं दिलवा सकते, तो इनके मम्मी पापा की क्या सेवा करेंगे? आपकी मांग जल्दी है, क्या मांग है? बहुत दिनों से मेरे काम चल रहा है, बहुत साल हो गए हमको, 7-8 साल हो गए। मांग पूरी नहीं हो रही, अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। और जब महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए गौ माता के लिए, झांसी की रानी ने अपने प्राण त्याग दिए गौ माता के लिए, हम भी फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। मांग पूरी नहीं तो पुलिस ने आज मांग जो पूरी नहीं हुई ना, तो आज हम वादा करते हैं हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम फांसी पे चढ़ जाएंगे। अभी आज के साथ धक्का मुक्की भी की आप, आपके साथ अभद्रता की है? बिल्कुल की है। क्या कहना चाहेंगे? लेडीज पुलिस मंगवाई है, हम किसी से नहीं डरते, पुलिस मंगवाए 10 मंगवाए फिर भी हम नहीं डरते, 20 मंगवाए फिर भी नहीं डरते, हम 10 के काम 10 से 20 जाता है, हर बार की हार या पार, ना तो जीना या मरना। राधिका जाएंगे, राधिका जाएंगे। कर्मचारी बता ना, फिर देता हूँ भी तुम्हारा डंडा आगे करोगे, चार ग्राम पंचायतों का मेरे पास लेटर आया था। अब ये आप रामनगर का बता रहे हो, जो 200-300 बीघा भूमि जो अभी अतिक्रमण से सरकार ने मुक्त करवाई है, अगर उसका है तो मैं पटवारी को भिजवा दूंगा, आपके जो प्रतिनिधि है उनके साथ ही भिजवा दूंगा और वो चिन्हीकरण कर लेगा और उस हिसाब से हम प्रपोजल बनवा के कलेक्टर साहब के पास भेज देंगे। कलेक्टर साहब के भी यही सेम निर्देश है मुझे और मैं उन्हीं की प्रतिनिधि के तौर पे आया हूँ और वो आपसे हमें जो भी आपकी इनके एक तो ये रामनगर वाली बात हो गई, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई अन्य मांगे हैं तो आप मुझे मांगे एक पेपर पे जो है सारी लिख के एप्लीकेशन बना के आप जो मांगे आपके ऑर्डर को ऑर्डर की बताई बस यही बात है, क्योंकि जिला गोपालन समिति जो नंदीशाला को बहने देगी उसके अध्यक्ष कलेक्टर साहब है तो उनका तो आना बहुत जरूरी है। और जमीन तो बहुत दिन हो गए सर खाली हुए, गायों के लिए तो खाली करा है ना, तो क्या आप तैयारी कर देना, हम काफी समय से कह रहे हैं आप पहली बार ही थोड़ी सर। सर के बाद जो भी गाँव या
2016 से जब भीम लगते हैं गायों का भेजा गया था, जब से लिखित में हमारे पास आश्वासन है, ये देख सकते हो आप। 63 बीघा भूमि देने का प्रशासन ने 2016 में हमारे से ये लिखित में आश्वासन। अब 16 से आप कितने साल देख लो, गौ माता के लिए इनको जमीन ही नहीं मिल रही। अब इतने सालों में कितनी गौ माता है इनकी वजह से, प्रशासन की वजह से अकाल मौत मरना पड़ा, उनका सारा जिम्मेदारी है प्रशासन। और राज्य सरकार की योजना है, इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए इन लोगों को यहाँ विराजमान कर रखा है, कि यह पूजा प्रतिष्ठा करवाने के लिए कर रखा है। पुलिस वाले हमारे साथ गर्भता पूर्वक व्यवहार करते हैं, गौ माता का हक मांगना अपराध है क्या साहब? ये कौन सा तरीका है? शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने और नौ से कहा के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ छीना झपटी बोला साहब, ये सीआई साहब पहले तो बर्दाश्त करेंगे। सीआई साहब पहले भी हमारे ऊपर 3 झूठे मुकदमे, यही सीआई साहब जो डिप्टी साहब ने जांच करके उनको गलत पाया गया, ये सीआई साहब तुरंत मुकदमे दर्ज। गोपाल जी भाई साहब अभी वर्तमान में जाके उस पर जाके चिन्हित करें, तीसरे साल चिन्हित करिए, कलेक्टर साहब आएंगे उनसे बात करें, मौके पे चले जाओ साहब, पहले तो उनके मौके पे चले जाओ, जरा लड़ाई वो बात बढ़ा दो। रामनगर की जो रामनगर के पटवारी आईएलआर को बुला लेते हैं, हां बुला लो, साहब को बुला लो, और आपके जो प्रतिनिधि है वो चल, कलेक्टर साहब को बुलाइए, कहां कलेक्टर साहब बुलाओ आप, तो अरे चिन्हित अंदर लाने की जरूरत नहीं है यहां पे, कोई वो चिन्हीकरण वाली जो बात है वो तो अभी करवा देंगे, नहीं नहीं कलेक्टर साहब बुला रहे हैं आप, वो चिन्हीकरण होते हैं अपन प्रपोजल बना के दे रहे हैं, पाने ने बड़ा बदड़िया कुछ की देख रहे हैं, कंडीशन है काम तो मान ले के होते हैं, उनका आना बहुत साहब को बुलाओ आप, साहब स्वागत है साहब का, स्वागत करेंगे हमारे धर्म पिता है बाबा, धर्म बाबा की।
की मांग को लेकर जो धरना लगाया गया था, विशाल धरना लगा और धरने में सभी लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग रहा है, लेकिन कुछ समय पर इन्होंने बल प्रयोग हमें हटाने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों जी जान से डटे रहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और हम आगे भी डटे रहेंगे, क्योंकि हमारी नंदीशाला की मांग बहुत पुरानी है और नंदीशाला की मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, हम मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं, हम गौसेवकों को या गोपाल गौसेवा संस्थान को हल्के में नहीं लें, हम आगे बढ़ेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। हम बूंदी बंद का और आगे जो भी है उसका विकल्प हमारे पास खुला हुआ है और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, हम जान की बाजी हटाते हैं। अभी का फैसला हम धरना समाप्त कर रहे हैं, हमारी मर्जी से धरना समाप्त कर रहे हैं, हमारा धरना यथावत चलता रहेगा। हमें जो हमारे जो भी घोषे उपाय से मीटिंग करके हम जो भी आगे का जो निर्णय होगा वो आगे के लिए करते रहेंगे और गौ माता के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे। प्रहलाद मीणा, अध्यक्ष गोपाल गौसेवा संस्थान पूरी।